कहीं जा रही हो? हाँ, मैं सोची थी माजी बीन की तरफ से ले जाऊं। हमीदा आंटी और यासिर भाई से ताजियत भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, सोच तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन मुस्कान, तुम्हारी तो अपनी तबीयत खराब है। तबीयत ठीक है मेरी अम्मी, वैसे भी अगर तबीयत ठीक नहीं भी हुई तो ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रशीद भाई की वफात के बाद पता नहीं हमीदा का लबो लहजा चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती मुस्कान के तुम वहां जाओ और खुदा न खास्ता वो तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात करते हैं और तुम भी जवाब दे दो। समझाने का मसला है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी, मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे किसी को भी कुछ बोलने का मौका मिले, ठीक है? वैसे भी अम्मी, इस वक्त करीबा को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उसके पास रहें। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत परेशान लग रही हैं। आप मुझसे तो बात करें, कोई बात है? अरीबा की वजह से बहुत परेशान, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। ऐसे लगता है कोई अनहोनी होने वाली। खुदा ना करे मम्मी, खुदा ना खास्ता। मम्मी, मैं जानती हूँ अरीबा की जिद हम सब के लिए इस वक्त परेशानी का बायस बन चुकी है, मुझे पता है ये बात। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमें कोई दुख पहुंचे या हमारी इज्जत को कोई प्रॉब्लम हो। मैं जानती हूँ अपनी बहन को, मम्मी कुछ नहीं करेगी वो। आप परेशान नहीं हो? अल्लाह करे तुम्हारा ये यकीन सलामत रहे। बेटा, अच्छा, मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी वरना। ठीक है ख्याल से जाना, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपनी तबीयत ठीक नहीं है इस बच्चे की।